अनबॉक्सिंग करते हैं होनर चॉइस एयरबड X5। ये व्हाइट कलर का एयरबड है। जब ये लॉन्च हुआ था इंडिया में तभी इसकी प्राइस 2000 रुपये थी, लेकिन अभी जून 2024 में इसकी प्राइस थोड़ी कम हो गई है। आपको अमेजोन पे 1699 रुपीज़ में मिल जाएगा। आपको और भी कम प्राइस में इसे परचेस करना है तो थोड़े महीने और इंतजार कीजिए। जब भी फेस्टिवल कोई आता है ऑफर को देखते रहिए, जब भी इसकी प्राइस कम होती है तब आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो जल्दी से हम इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। सबसे पहले बॉक्स को देख लेते हैं। होनर चॉइस एयरबड X5 व्हाइट कलर का एयरबड है। इसमें 30 dB तक एक्टिव नॉइस कैंसलेशन मिलता है। 35 आवर का लॉन्ग बैटरी लाइफ है। तो चार्जिंग किसको आप जब भी फुल चार्ज करते हैं 35 आवर इसका बैटरी चलेगा। एयरबड का बैटरी 9 आवर तक का है, तो 9 घंटा आप इसमें म्यूजिक भी सुन सकते हैं, 9 घंटा कॉलिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर एयरबड का बैटरी खत्म हो जाता है तो आप इसे चार्जिंग किस में डाल के दोबारा चार्जिंग कर सकते हैं। मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा होनर कनेक्ट का। साइज से देखिए बॉक्स को, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, 35 आवर लॉन्ग बैटरी लाइफ, ब्लूटूथ 5.3 मिलता है। मॉडल नंबर LCTWS005, कलर व्हाइट, आइटम नंबर दिया गया है चाइना में जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका एड्रेस दिया गया है, सीरियल नंबर मिल जाता है। बैक साइड से देखिए बॉक्स को, यहाँ पे QR कोड दिया गया है। QR कोड को स्कैनिंग करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। होनर AI स्पेस प्ले स्टोर पर भी ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। एप्लीकेशन से आप एयरबड को कंट्रोल कर सकते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं, चार्जिंग किस को बाहर निकाल देते हैं। बॉक्स में एयर टिप मिल जाती है, स्मॉल साइज़ की, लार्ज साइज़ की, मीडियम साइज़ की एयरबड में लगी हुई होती है। और बॉक्स में एक सेफ्टी ईयर प्रोफेशन मिलता है, क्विक स्टार्ट गाइड भी मिल जाता है। तो टाइप सी चार्जिंग केबल मिलनी चाहिए थी, वो नहीं दे रहा है होनर। चार्जिंग केस देख लेते हैं। चार्जिंग केस के ऊपर होनर का लोगो नहीं है, आगे भी नहीं है और बैक साइड पर भी नहीं है। चार्जिंग केस इंडिकेटर लाइट यहाँ पे है, नीचे टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है। चार्जिंग केस को ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो मैग्नेट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चार्जिंग केस को उल्टा करते हैं, ऐसे झटका लगाते हैं तो भी एयरबड नीचे गिरते नहीं है। एयरबड को बाहर निकाल देते हैं, अंदर चार्जिंग पॉइंट नज़र आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज में डिटेल दी गई है। एयरबड को देख लेते हैं, ये राइट साइड का एयरबड है, नीचे चार्जिंग पॉइंट और माइक है। टच कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है। स्पीकर ग्रिल देख लेते हैं, तो ये स्पीकर ग्रिल है। स्पीकर का डाया 10 mm का है और ये लेफ्ट साइड का एयरबड, यहाँ पे L मेंशन किया गया है। होनर चॉइस एयरबड X5 को मोबाइल से कनेक्ट कर दीजिए ब्लूटूथ से। मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, होनर AI स्पेस। एप्लीकेशन को मैं ओपन कर देता हूँ। तो ये जो एप्लीकेशन है इसे आपको अपना जीमेल आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। स्पेस में जाते हैं तो यहाँ पे माय डिवाइस, इसे जब भी क्लिक करते हैं बैटरी का परसेंटेज दिखाएगा। चार्जिंग केस में अभी 60% बैटरी है। राइट साइड का एयरबड में 95% बैटरी है, लेफ्ट साइड का एयरबड में 100% बैटरी है। और यहाँ से एयरबड को ऑफ भी कर सकते हैं, अवेयरनेस भी कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल मोड है, आपको यहाँ से नॉइस कैंसलेशन ऑन करना है तो उसे भी कर सकते हैं। इक्वलाइजर मोड भी मिल जाता है, तो ये जो इक्वलाइजर मोड है मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे आप बास बूस्ट कर सकते हैं, ट्रेबल बूस्ट कर सकते हैं। और जो इक्वलाइजर से सेटिंग होना चाहिए वो इसमें नहीं होता है। अभी हम डिफॉल्ट में रहने देते हैं, शॉर्टकट में जाते हैं तो यहाँ पे जो टच कंट्रोल है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दिया गया है। अपडेट करना चाहते हैं एप्लीकेशन को तो अपडेट भी कर सकते हैं। यूज़र गाइड मिल जाता है। डिवाइस सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे डिवाइस नेम, उसे अगर चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। डिवाइस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे सीरियल नंबर मिल जाता है, डिवाइस मॉडल नंबर मिल जाता है, ये बॉक्स के ऊपर भी यही मॉडल नंबर लिखा था। लीगल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और यहाँ पे ओपन सोर्स लाइसेंस, प्लग इन वर्जन मिल जाता है। डिवाइस को आपको डिलीट करना चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये जो एयरबड है अगर आप इसे डिलीट कर देते हैं यहाँ से तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, बैक जाते हैं। चार्जिंग केस ग्लॉसी फिनिशिंग में है, एयरबड भी ग्लॉसी फिनिशिंग में है तो उसके ऊपर जल्दी स्क्रेचिस आने का चांस है। आप अगर चार्जिंग केस को स्क्रेच से बचाना चाहते हैं तो आपको इसका कवर परचेस करना पड़ेगा। एयरबड में 45 mAh का बैटरी है, चार्जिंग केस का बैटरी 460 mAh का है। एयरबड को जब भी आप फुल चार्ज करते हैं उसके बाद आप 9 घंटा तक इसमें कॉलिंग कर सकते हैं, 9 घंटा म्यूजिक सुन सकते हैं। उसके बाद एयरबड का बैटरी खत्म हो जाता है तो आप इसे चार्जिंग केस में डाल के दोबारा चार्जिंग कर सकते हैं। ऐसा आप टोटल 4 बार कर सकते हैं तो टोटल आपको प्लेबैक टाइम 35 आवर का मिलता है। इसमें लो लेटेंसी भी है तो आप अगर गेम खेलने के शौकीन है तो गेम खेलने के टाइम पे भी ये एयरबड आप यूज कर सकते हैं। टच कंट्रोल की बात करते हैं, एयरबड में सॉन्ग सुनने के टाइम पे सॉन्ग को अगर आप पुश करना चाहते हैं तो दोनों में से कोई भी एयरबड को 2 बार टैप करोगे तो सॉन्ग पुश हो जाएगा। सॉन्ग को अगर प्ले करना चाहते हैं तो दोनों में से कोई भी एयरबड को दोबारा 2 बार टैप करोगे तो सॉन्ग प्ले हो जाएगी। और कॉलिंग के टाइम पे एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑन करना चाहते हैं तो दोनों में से कोई भी एयरबड को 2 सेकंड तक टच करना पड़ेगा तो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन ऑन हो जाएगा। तो आपका आवाज सामने वाले को बहुत ही अच्छा सुनाई देगा और सामने वाले का आवाज भी आपको बहुत ही अच्छा सुनाई देगा।
चार्जिंग केस और एयरबड IP54 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट है। तो अगर पानी में चार्जिंग केस गिर जाता है तो 1 से 2 घंटे तक कुछ भी नहीं होगा, लेकिन उसके बाद एयरबड चार्जिंग केस खराब होने के भी चांस रहते हैं। तो अगर पानी में चार्जिंग केस गिर जाता है तो कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी इसे बाहर निकालें और इसे खोल के धूप में सुखाने के लिए रख दें। वीडियो में आपने देखा होना चॉइस एयरबड X5 का रिव्यू। तो अगर आप ये एयरबड परचेस करना चाहते हैं तो आपको अमेजोन से मिल जाएगा इंडिया में। मैंने इसे पर्सनली यूज़ किया है। इसमें साउंड का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, बास का भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। वीडियो में मैं आपको म्यूजिक प्ले करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट का बहुत ही इश्यू है। कॉलिंग का भी बहुत ही अच्छा क्वालिटी मिल जाता है। आप अगर घर में बैठ के बात कर रहे हैं, ऑफिस में बैठ के बात कर रहे हैं, किचन में बैठ के बात कर रहे हैं तो, लेकिन आप अगर नोइसी जगह पर बात कर रहे हैं या फिर किधर ट्रैफिक जाम में फंसे हैं वहाँ पर कॉलिंग कर रहे हैं तो आपका आवाज़ सामने वाले को उतना क्लियर नहीं जाता है क्योंकि इसका जो नॉइस कैंसिल का ऑप्शन है वो उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो अप्रैल 2024 में इसका प्राइस है 1699 रुपीज़ अमेजोन पे। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, आपका मन में कोई भी सवाल हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों अभी वीडियो को एंड करने का समय आ गया, वीडियो को एंड करते हैं। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। वीडियो को एंड करते हैं।